हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आपके साथ मैं हूँ HD4 कैरियर प्लेटफॉर्म से। साथ ही बता दूँ, सबसे पहले अगर आप लोगों को पल पल की खबरों से अपडेट रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल आज की बड़ी खबर ये है कि NTA UGC नेट 2019 का रिजल्ट जारी हो गया है, और आप किस प्रकार रिजल्ट देख सकते हैं, किस URL से, किस यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर से आप जाकर अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने को पास आउट होते हुए देख सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वहीं पर खुशखबरी, जल्द ही मिलेगी सबको नौकरी। जी हाँ, सरकार का एक नया रुख, एक नया कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब देर नहीं, अभी देखिए पूरा वीडियो, सारी जानकारी लेकर जाइएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस HD4 कैरियर प्लेटफॉर्म से मिलेगा। जी हाँ, खासकर शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको कम्युनिकेट करा जाता है, आपके साथ शेयर एंड आपके साथ साझा किया जाता है इस HD4 कैरियर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल वे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वहीं पर हरियाणा सरकार का नया आदेश शिक्षकों के हित में, जी हाँ, नया आदेश क्या आया, इसकी विश्लेषित एंड संश्लेषित एंड डीपली एक्नॉलेजमेंट मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपके साथ कम्युनिकेट, आपके साथ साझा करनी है। फिलहाल आई रिपीट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी के अभी, लेट नहीं, शुभ काम में देरी नहीं करते साथियों, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड से वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हाय गाइस, जी हाँ, शिक्षा विभाग के दोहरे रूप पर हाईकोर्ट सख्त, प्रिंसिपल प्रमोशन प्रक्रिया पर लगाई गई रोक और जारी करी गई नोटिस। जी हाँ, पूरी तरह नोटिस इनको जो है संप्रेषित, यानी कि फॉरवर्ड कर दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के दोहरे रूप पर हाईकोर्ट जो है पूरी तरह सख्त हो गया, जो अभी तक ये धांधली चल रही थी ना, अब ऐसी नहीं चलेगी। जी हाँ, अब पूर्ण रूप में कोई भी शिक्षक भर्ती हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, और खासकर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में और शिक्षा विभाग में अब ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह आती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रिंसिपल प्रमोशन प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक जो है लगा दी गई है। आपको बता दें कि PGT और हेडमास्टरों की वरिष्ठता सूची पर आपत्तियों का निपटारा करने के आदेश पूरा होने से पहले ही वरिष्ठता सूची एक सप्ताह में मंगवा लेने का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहरा रवैया मानते हुए DG सेकेंडरी एजुकेशन को तलब कर लिया है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि DG सफाई नहीं दे पाए तो वह मोटे जुर्माने के लिए तैयार हैं। और साथ ही हाईकोर्ट ने प्रमोशन की प्रक्रिया पर भी रोक जो है पूरी तरह लगा दिया, पूरा सस्पेंशन हो गया। अब देखना है कि इस मामले में, इस मुद्दे में, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेसिंग में, इस प्रोसीजर में होता क्या है। फिलहाल बड़ी खबर आप बताने वाला हूँ, UGC नेट 2019 रिजल्ट आप लोग कैसे देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए आपको पूरी प्रोसीजर आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप है, आपको अगर NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 आपको देखना है अपने रिजल्ट को, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। पहला स्टेप है NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 डाउनलोड करने के लिए, सबसे पहले आपको उम्मीदवार NTA नेट की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि www.ntanet.nic.in पर आपको जाना पड़ेगा। वहीं पर सेकंड स्टेप में आपको NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 डाउनलोड करने के लिए, इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए वहां पर लिखा रहेगा NTA UGC नेट 2019 रिजल्ट, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। एंड देन आफ्टर आपको NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 डाउनलोड करने के लिए, इसके बाद नया एक वेब पेज ओपन होगा, एक नया पेज खुलेगा, और उसमें उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि अपना सबमिट करेंगे। एंड देन आफ्टर NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 डाउनलोड करने के लिए, इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन खुल जाएगा आपके इस आप जो आउटपुट के रूप में। वहीं पर चरण पाँच, यानी कि लास्ट स्टेप है, NTA UGC नेट रिजल्ट 2019 डाउनलोड कर रिजल्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट जून 2019 परीक्षा, जून जो 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 को दो पालियों में आयोजित करी गई थी। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड में आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ था। वहीं पर इस बार NTA UGC नेट 6,81,718 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, यानी कि एप्लीकेंट की संख्या इतनी थी। वहीं पर NTA UGC नेट जून 2019 परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हुई थी, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट परीक्षा की आंसर की 1 जुलाई को जारी कर दी थी, जिस पर उम्मीदवारों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, अपना ऑब्जेक्शन भी वो पूरी तरह वहाँ पर सबमिशन करे थे, सबमिट करे थे, क्योंकि NTA UGC नेट आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई शाम 5 बजे तक थी। वहीं पर UGC नेट आंसर की पर दर्ज आपत्ति पर विचार कर NTA UGC नेट 2019 रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जी हाँ, UGC नेट का रिजल्ट किस तारीख होगा जारी, आपको मैं पूरी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर NTA UGC नेट 2019 NTA UGC नेट 19 रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा UGC नेट रिजल्ट 2019 जल्दी घोषित किया जाएगा, जल्दी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक NTA UGC नेट परीक्षा का रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। वहीं पर UGC नेट 2019 रिजल्ट, जी हाँ, जारी होने के बाद उम्मीदवार NTA नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो मैंने अभी आपको स्टेप्स, जो आपको मैंने अभी प्रोसीजर्स बताया, उसको फॉलो करके, उस स्टेप्स को आप फॉलो करके जो है आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिलहाल 15 जुलाई तक पूरी आशंका जताई जा रही है कि UGC नेट
का जो है रिजल्ट 2019 का आ जाएगा। जी हाँ साथियों, बने रहिए हमारे स्टडी फॉर करियर प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नई सोच के साथ।